झारखंड में पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के 50,000 तक के ऋण माफ कर दी थी। वहीं अब चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के लिए 2,00,000 रुपए तक के ऋण माफ करने का ऐलान किया है। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कई विभागों की समीक्षा बैठक की थी। इसी बैठक में किसानों के हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों के 2,00,000 रुपए तक के लोन माफ किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा लिया गया 50,000 से लेकर 2,00,000 तक के ऋण को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ किए जाएंगे। इसके लिए सभी बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। नेपाल हाउस स्थित सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की पदाधिकारियों के साथ केसीसी लोन सहित कृषि कार्य के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण की माफी योजना को लेकर बैठक चली। बैठक में मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने वादे के मुताबिक ऐसे किसानों को राहत दी है जो बैंक ऋण की वजह से चिंताग्रस्त रहते थे। राज्य के करीब 4,73,000 से ज्यादा किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं। मंत्री बादल पत्रलेख ने सभी बैंकों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसे बैंकों के खाते जो NPA हो चुके हैं उन खातों को बंद करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजे ताकि किसानों को ऋण मुक्त किया जा सके। एक उच्च स्तरीय बैठक जो मेरी अध्यक्षता में हुआ था उसमें हमने लिया इस तरह से ऋण माफी जो हमने 50,000 तक स्टैंडर्ड का किया था उसको बढ़ाकर 2,00,000 तक करने का प्रावधान किया, जिससे इस राज्य के लगभग 1,91,000 किसानों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। और साथ ही इसके पहले हम लोगों ने 4,73,567 किसानों के कुल 1,935,00,000 रुपए माफ कर चुके हैं। NPA के बारे में जो सरकार की घोषणा थी उसको लेकर इस उच्च स्तरीय बैठक में सभी बैंक्स को यह निर्देश दिया गया कि आप अपने वन टाइम सेटलमेंट प्लान के तहत प्रपोजल सबमिट करें, सरकार तैयार है अपने वादे के मुताबिक हम इस पर और संबंधित जगहों पर बातों को रखते हुए फलाफल को निकलेंगे। आज का दिन न सिर्फ इसके साथ ही बहुराज्य भूमि सहकारी विकास बैंक समिति और देवघर कोऑपरेटिव ग्रेन बैंक लिमिटेड के द्वारा जो ऋण दिए गए थे लोगों को उनको भी एजेंडे में शामिल करके प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया कि उनके भी कर्जे हम माफ करने जा रहे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी योजना को लेकर भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार की यह चुनावी हथकंडे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य की सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। भाजपा ने कहा कि ऋण माफी को लेकर बैंक और सरकार के पास कोई स्पष्ट नहीं है कि किसकी ऋण माफ की जाएगी। कृषि ऋण माफी योजना राजनीतिक दलों का हथियार बनकर रह गई है। जिस तरह से 2,00,000 रुपए तक की ऋण माफी की घोषणा की गई थी, शुरुआती चरण में 50,000 रुपए की ऋण माफी लागू की गई, लेकिन उसमें भी अधिकांश लोगों का कृषि ऋण का जो रिकॉर्ड है वो बैंकों के पास उपलब्ध नहीं हो पाया था। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई जिनको ऋण माफी की जानी थी। अब चूंकि चुनावी वर्ष में है, अंतिम 3-4 महीने बचे हैं आचार संहिता लगने से पहले, तब जाकर सरकार की नींद खुली है कि कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से कुछ वोट हासिल कर लिया जाए। अब जाकर ये घोषणा कर रहे हैं कि 2,00,000 तक की ऋण हम माफ करने की योजना को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से राज्य की जनता भी समझ रही है, किसान भाई भी समझ रहे हैं कि जब जरूरत का वक्त था इन लोगों ने मझधार में छोड़ दिया, अब जाकर इनकी नींद खुली है। तो इसके पीछे मंशा सिर्फ यही है कि आने वाले चुनाव में इनको लाभ होना जाना कुछ नहीं, चूंकि बैंकों के पास रिकॉर्ड नहीं है, कृषि विभाग के पास रिकॉर्ड नहीं है, लाभार्थी कौन होगा इसको लेकर अस्पष्टता का अभाव है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी मानती है कि यह योजना बिल्कुल एक चुनावी हथकंडा बनकर रह गया है और राज्य सरकार किसानों को अपने हित के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर रही है।